मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। आप सबके फेवरेट कमाली इफ्तिखार इफ़ी साहब, आप कमाली के नाम से इन्हें जानते हैं लेकिन ये बहुत वंडर्स कर रहे हैं। लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रूबा अरूज और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट कमाली इफ्तिखार इफ़ी साहब, आप कमाली के नाम से इन्हें जानते हैं लेकिन ये बहुत वंडर्स कर रहे हैं। इनका यूट्यूब चैनल आप देखें तो ये सोशल साइंटिस्ट के तौर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो बातें जो कि हमें माहिर नफ्सियात नहीं सिखा सके वो इफ्तिखार साहब सिखाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ के ज़रिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आज ये हमें क्या सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा था आपसे पहले भी बात करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये जो सोशल साइंटिस्ट बनने का सफ़र है, रूहानियत का सफ़र है, ये बाबा जी इशफाक अहमद की जो नशस्त में बैठने का मौका मिलता था वहाँ से शुरू हुआ या फिर कोई और है मुर्शद? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं हूँ और मैं कोई रूहानी शख्सियत भी नहीं हूँ। ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ अच्छा करने की, इंसानों की खिदमत करने की पहला जज्बा तो घर से पैदा हो गया माँ बाप की वजह से। फिर इशफाक साहब जैसे अच्छे और बड़े बुज़ुर्ग लोग मिल गए तो मैं ये करने आया नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़ी उलझन होती थी किसी की तारीफ़ करते हुए। जब इशफाक साहब कहते थे ना, तारीफ़ किया कर, माफ़ किया कर, मोहब्बत से बात किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आई मी मैं तारीफ़ क्यों करूँ यार, ये इस काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तकब्बुर था। मैं समझता था सबसे अच्छा मैं, सबसे खूबसूरत मैं, सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त मैं, तो बड़ा मुश्किल होता था सामने वाले की तारीफ़ करना। लेकिन जब इसको प्रैक्टिस शुरू की इशफाक साहब के कहने पे और उनके बताए हुए तरीके से, फिर मज़ा आने लग गया, फिर समझ आने लग गई। अब तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे पता भी होता है। मतलब मेरा बेटा, जब बेटे की बात कर लेता हूँ, वो आगे कहता है बाबा जी वो मुझे 1000 रुपये दें, मैंने 4 लीटर पेट्रोल डलवाया था, मुझे समझ आए थे झूठ बोल रहा है, ये डलवाएगा 3 लीटर, बाकी पैसे उन्हें पास रखेगा, लेकिन लेट इट गो, कोई बात नहीं। तो मुझे अब लोगों से बात करने में, उनमें रहने में, उनकी इज़्ज़त और तकरीम करने में, उनकी किसी भी तरह की आसानी पैदा करने में बहुत मज़ा आता है। वो शेर पूरा नहीं याद आ रहा लेकिन एक लाइन याद आ रही है कि कोई धोखा भी दे तो खा लेता हूँ, ऐसा था वो, मुझे नहीं याद आ रहा। आप इस फलसफे पे अमल कर रहे हैं? अब मेरा ख्याल है तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। देखें, आपने मुझे एक दफ़ा धोखा दिया, मैंने आपको चांस ही नहीं दिया, हमारा ताल्लुक नहीं दोबारा हो सका। मुझे 1, 2, 3, 10 बार आपको चांस ज़रूर देना चाहिए, माफ़ी ज़रूर देनी चाहिए, आप वापस आ सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हमारा ताल्लुक है एक शख्स से 15 साल से, हम उसके कोई भी ख़ता हो जाए, 15 साल से तेरा मेरा ताल्लुक है, तूने आज तक ऐसा नहीं किया, चल दफ़ा हो जाए, ताल्लुक ख़त्म। अल्लाह के बंदे, तू उसके 15 साल की तस्दीक खुद ही कर रहा है कि तूने 15 साल से ऐसा नहीं किया। यार आज अगर उसने कुछ कर दिया या धोखा दे दिया या कोई ऐसी बात हो गई तो माफ़ कर दो यार, माफ़ करके ताल्लुक नया। देखें, 10 साल की दोस्ती मेरी सामने वाले से, उसने धोखा दिया या कुछ भी हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया, अब मैं अगले 10 साल फिर इन्वेस्ट करूँगा किसी के ऊपर, फिर उसको दोस्त बनाऊँगा? नहीं, जिसके साथ पहले दोस्ती थी उसको 10 चांस दें सर, मैं ही समझता हूँ। सर लेकिन मैं खुद समझने के लिए ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं दोबारा मौका दें, दोबारा मौका देने वालों को तो बेवकूफ़ कहा जाता है कि एक ही जो है वो बिल से बार बार ये ढंसे जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए नौयत होती है। अब मेरी बीवी है, मैं उसके साथ उसको दोबारा मौका नहीं देता दरअसल। लेकिन जब मेरा भाई बार बार गलती करता उसको मैं हर मरतबा माफ़ कर देता हूँ, थप्पड़ मार के गालियाँ दे के छोड़ देता हूँ। अच्छा जो मेरा दोस्त है उसके साथ ही मैं ये करता हूँ, 10 दफ़ा हम कहते हैं आज तो बात तेरी शक्ल नहीं देखनी, फिर भी मिलते हैं। इसलिए भाई देखें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाकई इतनी मतलब क्राइम के ज़ुमरे में चली जाती हैं। मतलब आप कत्ल की बात कर लें, अब आप कहेंगे इसको तो नहीं दोबारा चांस देना चाहिए, शायद ये तो आके 2000 सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के कातिलों को माफ़ नहीं किया था। असल चीज़ है माफ़ी, ये देनी है। इस सोसाइटी का सबात माफ़ी, दरगुजर, मोहब्बत, प्यार इसी वजह से रहेगा। आप इसको इससे खाली करेंगे ये जंगल बन जाएगा। नहीं, इतना पुरसकून और माफ़ करने का ये जज्बा पैदा कैसे होगा, फार्मूला क्या है? आपको इंसान की हकीकत से आशना होना पड़ेगा। मिसाल देता हूँ, मैं अभी गया तो ताइफ़ के उस मुकाम पे मैं खड़ा हुआ था पहली बार, जहाँ वो लोग बताते हैं कि सरकार इस जगह थे, इस तरह से यहाँ से पत्थर मारे जा रहे थे,
मैं वहाँ खड़ा रहा, काफ़ी देर सोचता रहा और मैंने कहा यार आका करीम के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हम इस वादी को ही, इन पहाड़ों को मिला के इनको मिलिया मेट कर दें, तो आपने कहा नहीं ये मुझे जानते नहीं हैं, अगर जानते तो ऐसा सलूक ना करते, इनमें से या इनकी अबाउजदाद मतलब औलादों में से कोई हो सकता दीन इस्लाम पर आ जाए। अच्छा अब इसके अंदर बात क्या है, देखें अल्लाह की कायनात को, अल्लाह की हिकमत को, दीन को, इंसान को, हर चीज़ को, कायनात के किसी भी राज को जो सबसे ज़्यादा हम में से कोई जानने वाला है ना तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो फिर ये भी जानते हैं कि अरूबा की क्या रिस्पेक्ट है, इस कैमरामैन की क्या रिस्पेक्ट है, उस माली उस जो गेट कीपर है उसकी क्या रिस्पेक्ट है। आका को सबसे ज़्यादा पता कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है, आका खुद अल्लाह के बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं कि पत्थर मारने वालों को माफ़ कर रहे हैं, जा माफ़ किया, कूड़ा फेंक रहे हैं जा माफ़ किया, मतलब कुछ भी किसी ने कहा है जो आका की हद तक महदूद था मेरे आका ने हमेशा माफ़ कर दिया। तो चले साइंस ना लड़ाएं, सोचें ना अपने दिमाग का उस पर तकलीफ़ में ना डालें, यही सोच लें यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इंसान से जो इस कदर मोहब्बत फरमाई है, इस कदर माफ़ी और दरगुजर से काम लिया है, इसका मतलब है ये अल्लाह को और मेरे नबी को बड़ा अजीज़ है। और आप भी तो वही है ना इंसान है, ये कैमरामैन भी तो वही है, वो माली भी तो वही इंसान है। तो मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, मैंने कहा नहीं यार मेरे आका ने अल्लाह के बंदे से मोहब्बत की है ना, मैं भी जिस दर्जा कर सकता हूँ मैंने करनी है, तो इससे शायद मैं शांत मतलब ठंडा हो गया। क्या बात है, मोहब्बत यानी कि एक आपने कहा कि सबक है और जब आप मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये इंसानियत का सफ़र शुरू कर देते हैं। रूहानियत का जो सफ़र है वो अगर कोई शुरू करना चाहे, कुछ लोग कहते हैं कि जो एक रूहानी आपको एक इल्म होता है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, नेचुरली होता है, ये सीखी नहीं जाती, लेकिन जो सीखना चाहता है, जो अशफाक अहमद की पॉलिसी, बानो कुदसिया की पॉलिसी, आपकी जो सोच अफकार है उसको फॉलो करना चाहता है, वो क्या पढ़े, कैसे अपने आप को तब्दील करे? देखिए मुझे नहीं समझ आया आप रूहानियत की चीज़ को समझनी है कि उसके अंदर कोई बंदे को कोई कशफ होता है, शायद इल्हाम होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर होता होगा तो मुझे नहीं पता, मैंने इसलिए स्टार्ट में कहा, दरअसल मुझे तो इतना समझ आया है कि इंसानी खिदमत करना यही आपको रूहानियत की सारी सीढ़ियाँ पार कराएगा। अल्लाह के बंदे से दुश्मनी नहीं करनी, अल्लाह के बंदों की तौकीर करनी है, इसके लिए कोई आसानी पैदा करनी है, इससे आगे तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है किसी से भी। मुझे इशफाक अहमद से भी यही सीखा है कि यार ये जो सामने खड़ा हुआ है ना इसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना है, और मेरे लिए इतनी ही रूहानियत है, अगर कुछ और है तो फिर वो अल्लाह के बंदे जानते होंगे, मुझे नहीं पता। क्या दीन के भी बहुत क्लोज़ हैं, क्योंकि रूहानियत को अमूमन दीन के साथ अटैच करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होना, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना? नहीं देखें पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं आप पे, रोज़े फ़र्ज, जो फ़र्ज़ हैं मैं वो करता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, खैरात भी करता हूँ, मैं ज़्यादा फोकस, क्योंकि वो तो मेरी चीज़ है ना, मैंने तो करनी करनी है, वो तो अल्लाह का हुक्म है, हम हमेशा कोताही कर जाते हैं हकूकुल इबाद के अंदर, वो निभाना। अशफाक साहब की दुआ क्या थी, अल्लाह हमें आसानियत आ फरमाए, सब तैयार हैं लेने के लिए, और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, देते हुए हमारी जान निकल जाती है। तो मेरे नज़दीक रूहानियत का मतलब सिर्फ ये है अल्लाह के बंदों की तौकीर करना, इज़्ज़त करना, एहतराम करना। हम आजकल देखते हैं कि अगर हम सिर्फ मज़हब को ही डिस्कस करें तो हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हर लिहाज से, मज़हबी लिहाज से एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम अपने हकूक़ के लिए एक्सट्रीमिस्ट हैं, नौजवान अपना खुद आगे आने के लिए या अपने राइट के लिए एक्सट्रीमिस्ट हैं, दूसरे को तो देने को हम तैयार नहीं हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें? देखें जब तक आप किसी को इज़्ज़त नहीं देते, इज़्ज़त नहीं मिल सकती, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको सीखना पड़ेगा कि पहले आप देना सीखें। मिसाल के तौर पे ये ज़मीन है, इस ज़मीन को पहले आप देते हैं, क्या देते हैं, पहले आप तवज्जो देते हैं, फिर इसको गोडी करते हैं, फिर इसकी हल चलाते हैं, फिर इसमें बीज देते हैं, बोते हैं, और जो बोते हैं वो बीज किसान अपने घर से लेकर आता है, और वो एक मुट्ठी अगर इतना भी हो और वो ऐसे करके उसको बो देता है। अब आप देखें पहले आपने दिया ज़मीन को, अब क्या हुआ, दो चार छः महीने तक आप उसको तवज्जो देते, फिर वो आपको
वापस देता है, और इतनी मुट्ठी भर के आप लाए थे और वो फिर आपको बोरियां भर देता है। इंसान जिस तरह ज़मीन की सही की, इस तरह इंसान के जहन, इस सोसाइटी के जहन और इस सोसाइटी की जो ज़मीन है सोच की, वो भी ऐसी ही है। इस सोसाइटी में प्यार बांटेंगे आपको प्यार मिलेगा, इसमें नफ़रत बांटेंगे यहाँ नफ़रत मिलेगी। आप जिस मोहब्बत से इंटरव्यू करने के लिए आई हैं, आप इसलिए करने आएंगे कि आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा बेहतर आदमी है। अगर आपको लगता कि नहीं यार ये तो बड़ा शैतान आदमी, तो आप ना आती। तो इसलिए पहले आप कुछ दें तो सही, माशरे को इज़्ज़त दे के देखें, लोगों को की तकरीम करके देखें, देखें अब आपको 700 गुना वापस करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे इफ्तिखार इफ़ी साहब, जो कि कमाली के नाम से मशहूर हैं, लेकिन मैंने इनको एटलीस्ट जो है वो सोशल साइंटिस्ट का नाम दिया है, और यकीनन ये हमारे मुआशरे में बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं।